Things have just started. There is a lot of more to learn and to experience about these little specimens. जी व्यूअर्स, तो मैं अब्दुल बासित आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ. आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें. जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो हम एक बिल्कुल न्यू स्पीशी जिसे क्यूबा फिंच कहते हैं और क्यूबन फिंच भी कहते हैं. तो दीज बर्ड्स बेसिकली आर फ्रॉम क्यूबा. द नेटिव आर फ्रॉम द क्यूबा एंड द नियर बाय आइलैंड्स लाइक बहामास. दीज आर द ट्रॉपिकल बर्ड्स बेसिकली. अ ब्रीडर फ्रॉम जर्मनी, द सेम गाय, आई रिपीटेड अगैन, अलेक्जेंडर स्टेपलर फ्रॉम डलबर्ग जर्मनी. ही इज़ ब्रीडिंग दीज बर्ड्स रियली वेल इन द फ्लाइट केजेस, हैविंग द प्रॉपर नेस्ट एंड विद डाइट्री न्यूट्रिशंस. ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये क्यूबन फिंच है. ये कोई ब्रीडिंग बॉक्स में इसने नहीं लगाया हुआ कि जिसके एग्स फॉस्टर करा रहा हो ये. सो जो मेरा बिल्कुल जो मुझे पसंद है बिल्कुल वैसे ही इसने बर्ड्स को रखा हुआ है कि फ्लाइट में बर्ड्स को रख के उनको थोड़ा प्लांटेड जो है जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दे के लेट देम टू मेक देयर ओन nest wherever they feel comfortable and suitable for them to hide themselves. Aur ye aap dekh sakte hain Cuban finch viewers, these birds have a little bit aggressive nature like the diamond sparrows or the diamond firetail finches. With other birds like waxbills, they are a little bit aggressive with other species. They fight normally with those birds. So you can see the Alexander's how he's keeping his juveniles and the birds by the breed he is getting, and he's having a really good progress in these specimens as well, the Cuban finches as well. So viewers, aap dekh sakte hain to Cuban finch ye hamare agriculture ko to dur dur tak pata nahi, aur Asia mein I haven't seen anywhere ki koi breeder chahe Bangladesh ho Turkey ho तो इन बर्ड्स को रखते हों. तो ये इजी नहीं होता इनको रखना, बिकॉज दे आर लिटिल बिट मोर एग्रेसिव बर्ड्स. तो नहीं होता, गुस्सा तो नहीं करती, जब आता है तो बहुत ज़्यादा कर देती है. तो इनकी नेचर ऐसी है डायमंड स्पैरोज की तरह, जैसे डायमंड सारी फिंचेस, जैसे डायमंड को भी अगर दूसरे अलग स्पीशीज़ के साथ डाला जाए जिसमें कॉर्डन ब्लूज हो गई, जिसमें वैक्सबिल्स हो गई, जिसमें आउल पिचिनोज हो गई, मास्क हो गई, तो दे पुट देम इन अ रियल ट्रबल कि उनको वो फिर वो मारती है. अच्छा, तो व्यूअर्स ये बेसिकली ट्रॉपिकल बर्ड है और आइलैंड्स के पास, जैसे मैं बता चुका हूँ, क्यूबा और बहामास इसका बेसिक नेटिव ओरिजन है. और होता है इस कलर की है, येलोइश हल्का सा इसका फेस होता है और इसका ब्लैक फेस होता है इस तरह. अच्छा, ऐसे मेल और फीमेल में कैसे सेक्स जेंडर हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं? व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका जो फेस है, जो मेल्स होते हैं जुवेनाइल से, जो बड़े जब बच्चों से बड़े होते हैं तो उनका जो फेस होता है वो बहुत डार्क होता है, ठीक है. और जो हेंस का यूजुअली लाइक इन मैनी अदर बर्ड्स, लेडी गोल्डियंस में भी ऐसा ही है कि उनका जो फेस कलर होता है मेल्स का, दे आर मोर डार्कर, ठीक है. एंड द हैंड्स दे आर लिटिल बिट लाइट कलर, देयर कलर इज लिटिल बिट लाइटली शेडेड. तो ये फ़र्क है इनमें. एज यू कैन सी द स्टेपलर्स, एग फूड हाउ इज गिविंग द बर्ड हिज प्रोग्रेस इज रियली नाइस विद दीज थ्री स्पीशीज. आई हैव सीन द डायमंड स्पैरोज ऑफ स्टेपलर, आई हैव सीन द Pifala personata, that is the mask finch, and I have seen this Cuban finch as well, the Cuban bird, this Cuban sparrow. So he is doing a really great job with his breed, and he's working real hard, and I appreciate him for making, and I feel really honored for making his videos for his birds. As you can see, इसके अलावा viewers बात करता चलें इनके egg food के बारे में. यह viewers आप देख सकते हैं spread millets हैं. स्प्रेड मिलिट्स के ऊपर ये जो उसने छोटे छोटे से डाले हुए वाइट कलर के, आई फील दे आर जो है ये इंसेक्ट्स हैं या मे बी दे आर राइस, आई गेस सो.
सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी हैं अभी, स्टे ट्यून रहें।